guys, good morning. Welcome back to my channel. I'm Anwesha Mukherjee and you're watching Simple Tips Anwesha. Aaj ki video bahut interesting hai. I'm going to talk about a very interesting concept called oil pulling. Pehle aap please isko subscribe zarur kar de, baaju mein jo bell hai ting 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 usko bhi click kar dijiye. Yeah, do give it a big like. Sabse pehle hum jante hain ki oil pulling kya hai. Oil pulling basically aap organic कोकोनट ऑयल को लेके आप इसके साथ इफ नॉट ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल आप ऑर्गेनिक सेसमी ऑयल भी ले सकते हो बट आई प्रेफर कोकोनट ऑयल सो येस इट इज जस्ट कोकोनट ऑयल दैट आई डू सो आई कैन टेल यू अबाउट कोकोनट ऑयल राइट तो कोकोनट ऑयल को मैं क्या करती हूँ सुबह ब्रश करने से पहले को एक टीस्पून कोकोनट ऑयल अपने माउथ के अंदर लेके आई स्विश इट अनाउट ठीक है एंड माई माउथ फॉर एटलीस्ट 20 मिनट ये मैं कर रही हूँ लास्ट आई थिंक सेप्टेम्बर एंड से कर रही हूँ मैं ये ऑयल पुलिंग विथ वर्जिन कोकोनट ऑयल मैंने ये अमेजोन से खरीदा हुआ है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे नो इसके बेनिफिट्स जो है इट इज़ अ प्रूवन टेक्निक फॉर योर टीथ दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये एक इंडियन ओल्ड नेचुरोपैथ इंडियन आयुर्वेदिक प्रोसेस है जो आप करते हो स्पेसिफिकली दांतों के लिए था लॉजिक ये थी हमारे शरीर के अंदर जितने बैक्टीरिया फंगस जितने भी वायरसेस होती है वो सब की स्टार्टिंग ओरिजिनेशन कहाँ से होती है आपके माउथ से क्योंकि आप खाना खा रहे हो आपका फेस से कुछ भी एयर से पोल्यूटेंट एनीथिंग दैट गोज इनसाइड इज थ्रू योर माउथ ठीक है मुंह से जा रहा है अंदर तो अगर आप अपने मुंह को अच्छे से क्लीन नहीं करोगे तो आपका बॉडी जो है अच्छे से क्लीन नहीं होगा वो कहते हैं कि कोकोनट ऑयल में ऐसी प्रॉपर्टीज़ है इतनी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो आपके फेस के अंदर जितने बैक्टीरिया फंगस वायरस जो भी है वो एकदम क्लीन कर देगा इतना सकआउट कर देता है ताकि अपना पूरा बॉडी जो है बैक्टीरिया फ्री हो सकता है पूरा डिटॉक्सिफाई हो सकता है सो इसके बेनिफिट्स इन द लॉन्ग रन सिर्फ फेस सिर्फ मुंह के लिए नहीं है सिर्फ माउथ क्लीनिंग के लिए नहीं है पूरी बॉडी क्लीनिंग के लिए है जिनको दांतों की प्रॉब्लम है कैविटीज़ की प्रॉब्लम है गम्स ब्लीडिंग एंड टीथ को वाइट करना है इन सब के लिए तो प्रोवन बेनिफिट मैंने जो फ़र्क देखा है आई हैव सीन अ फर्क इन अ लॉन्ग प्रोसेस ये कोई शॉर्ट टर्म क्विक मेथड नहीं है तो दांतों को साफ करने के लिए इसमें बहुत बहुत हेल्दी बेनिफिट्स मैंने जो देखा है मेरे एक्नी के लिए ये बहुत इफेक्टिव मुझे लगता है मेरे पूरे बॉडी को क्लेंज एंड डिटॉक्सिफाई करने में इसका भी फ़ायदा है मतलब मैं एप्पल साइडर विनेगर तो लेती हूँ रेगुलरली उसके साथ साथ मुझे लगता है इसका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं इसको कैसे करती हूँ मैं इसको रेगुलरली नहीं करती मैं इसको हफ्ते में 2 दिन करती हूँ बट अगर आप बिगिनर हैं और आप पहली बार इसको कर रहे हो तो रिकमेंडेड यह है कि आप 10 डेज स्टार्टिंग में 10 डेज कॉन्स्टेंटली करें हर रोज़ एंड उसके बाद वीक में 2 टाइम्स एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप स्टार्टिंग में बहुत इकी लगता है बहुत वियर लगता है बट व्हेन यू गेट यूज टू इट यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ इट यू लव डूइंग इट ठीक है एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ये कोई क्विक फिक्स प्रोसेस नहीं है आपको 1-2 महीने में फ़र्क पता नहीं चलेगा मतलब मेजर ड्रास्टिक फ़र्क पता नहीं चलेगा बट 3 महीने के बाद मुझे जैसे मेरे दांतों में बहुत फ़र्क दिखा है मुझे जनरली मेरे फेस पे फ़र्क दिखा है लाइक आई नो अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो वर्क बट इट्स अ गुड हेल्दी हैबिट ठीक है सो आई हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दैट इज़ वाई आई थिंक इट्स अ गुड प्रोसेस दैट यू गैस शुड ट्राई नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब जो जिसमें लोगों को ये सूट नहीं किया है जिनको कैविटीज़ की प्रॉब्लम थी इट हैज़ नॉट सूटेड दैम बट इट हैज़ पर्सनली सूटेड फॉर मी सी यू आर द बेस्ट जज यू कैन डू इट यू कैन ट्राई इट एंड सी इफ इट वर्क फॉर यू आर नॉट फॉर मी पर्सनली बिकॉज इट हैज़ वर्कड वंडर सो आई विल रिकमेंड इट आई कंटिन्यू टू डू इट और मैं ये कहूँगी कि आप ज़रूर इसको ट्राई करें तो ये कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल को मैं कैसे करती हूँ इतना 1 चम्मच लिया मैंने सो दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस एकदम धीरे धीरे आपको ये सुबह करना है ब्रश करने से पहले एंड मीनवाइल ग्रेजुअली स्विच द कोकोनट ऑयल इन योर माउथ यू कैन वॉच कंप्यूटर पे यूट्यूब वीडियोज और डू योर वर्क रीड अ बुक और जस्ट टेक अ स्ट्रोल इन द मॉर्निंग इन योर पार्क इट्स अर्ली मॉर्निंग एक्टिविटी ग्रेजुअली स्टार्टिंग में आप 10 मिनट ही कर लो तो बहुत है एंड देन यू टेक इट अप टू 20 मिनट्स कीप स्विशिंग कीप टर्निंग द ऑयल एंड इट विल टर्न इन टू अ मिल्की कंसिस्टेंसी धीरे धीरे करें डोंट बी हार्ड जस्ट बी जेंटल जस्ट हैव अ लुक हाउ आई एम स्विशिंग द कोकोनट ऑयल इन साइड माई माउथ इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एकदम धीरे धीरे करें 20 मिनट्स के लिए टाइम लगेगा क्योंकि आफ्टर 20 मिनट्स इट विल बिकम अ बिग मिल्की चंक ओके जो आपको
अपने गार्बेज में डस्टबिन में थ्रो करना है. डू नॉट गल्प इट डाउन. एकदम गल्प नहीं करना है, बाहर फेंकना है. ओके नाउ सो आई एम डन विद माय 20 मिनट्स ऑफ ऑयल पुलिंग. आफ्टर ऑयल पुलिंग के बाद ना जो अंदर की कंसिस्टेंसी है वो मिल्की वाइट हो जाती है. कोशिश करें उसको आप सिंक पे ना डालें, आप उसको ट्रैश में ही फेंकें. ट्रैश में मतलब डस्टबिन में फेंकें, ठीक है. अब इसके बाद आप नॉर्मल ब्रश कर लो एंड मेक श्योर कि आप इसको सिंक में ना इसलिए फेंकें क्योंकि कभी कभी हो सकता है विंटर्स में स्पेसिफिकली जो आपका सिंक है वो पाइप्स क्लॉग हो सकती है. एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट. आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा, कैसा सूट किया या नहीं. एंड मैं क्या करती हूँ, आफ्टर आई थ्रो अवे दैट मिल्की कंसिस्टेंसी इन द डस्टबिन फेंकने के बाद, मैं बस फेस को एक बार अच्छे से माउथ को फिर से नॉर्मल पानी से रिंस कर लेती हूँ. उसके बाद आई विल ब्रश नाउ. सो या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.